Hi students, my name is Fayyaz Shakir. Welcome to third lesson of economics, poverty as a challenge. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग poverty line, estimates of poverty, inequality of income within a family, interstate disparities, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वह अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या है। कहता है इट इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। कहता है कि पॉवर्टी लाइन जो है वह इनकम और कंजम्पशन लेवल पर डिपेंड होता है, बेस्ड होता है। यानी कहने का मतलब है कि जीने के लिए कम से कम जितने इनकम की ज़रूरत होती है, अगर आप उससे कम कमाते हैं तो फिर आपको गरीब माना जाएगा। कहता है कि पॉवर्टी लाइन वैरीज विद टाइम प्लेस। कहता है कि पॉवर्टी लाइन जो है वह टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है। किसी ज़माने में गरीबी रेखा कुछ होगी, किसी ज़माने में कुछ होगी, किसी जगह पर गरीबी रेखा कुछ होगी और किसी जगह पर गरीबी रेखा कुछ होगी। जैसे शहर में जो गरीबी रेखा होगी वह जरूरी नहीं है कि देहात में भी वही गरीबी रेखा हो। तो जो पॉवर्टी लाइन जो है वह टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वैरी करता है। कहता है कि फॉर द ईयर 2009 and 10 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹673 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड ₹860 फॉर द अर्बन एरियाज। कहता है कि 2009 और 2010 के मुताबिक गांव में अगर एक इंसान 673 रुपया से कम कमाता है पर मंथ में, तो हम उसको जो है वह गरीब मानते थे। और शहर में अगर कोई इंसान 2009 और 10 के मुताबिक अगर 860 रुपया से कम कमाता था पर मंथ, तो उसको हम गरीब मानते थे। तो हमारे यहाँ 2009 और 10 का जो डाटा है उसके मुताबिक गांव में जो पॉवर्टी लाइन जो थी वह 673 रुपीज पर मंथ, और अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी लाइन जो थी वह जो है 860 रुपीज पर मंथ था। कहता है द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। कहता है कि ये जो पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी रेखा जो है, इसको जो है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हर कुछ दिनों के बाद सैंपल सर्वे करता है और उसके जरिए से जो है पॉवर्टी लाइन जो है वो आप देखेंगे कि उसको डिसाइड किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि पॉवर्टी लाइन जो है वह इनकम और कंजम्पशन लेवल पर डिपेंड करता है और ये टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वैरी करता है। फिर कहता है द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज अराउंड 55% इन 1973। कहता है कि 1973 में भारत में आप देखेंगे कि लगभग भारत की 55% आबादी जो है वह गरीबी रेखा के नीचे थी, विच डिक्लाइंड टू 36% इन 1993, जो कि 1993 आते आते 36% हो गई, एंड फर्दर टू 26% इन 2000, और 2000 में आप देखेंगे कि ये 26% पर आ गया। मतलब 2000 के मुताबिक भारत में जो है वह 26% लोग ऐसे थे जो कि गरीबी रेखा के नीचे थे। द पॉवर्टी इन इंडिया इज रिड्यूस्ड परसेंट वाइज बट नंबर वाइज इट इज ह्यूज। कहता है कि भारत में जो गरीबी जो है वो आप देखेंगे कि परसेंटेज वाइज तो कम हुआ है, मतलब 1973 में 55 था, 1993 में 36 हो गया, 2000 में 26% कम हुआ, लेकिन अगर हम आबादी के हिसाब से देखें
तो भारत में बहुत ज़्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है तो उसका 26% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहता है कि आप देखेंगे कि परसेंटेज में भले जो है गरीबी कम हुई है, लेकिन अगर हम नंबर वाइज बात करें तो गरीबी जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड्स। कहता है कि वैसे तबके जो हाशिए पर हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह, उनमें जो है गरीबी आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। फिर कहता है क्या कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली, इन पुअर फैमिलीज ओल्ड पीपल, पुअर एंड फीमेल चिल्ड्रेन आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू फैमिलीज अवेलेबल रिसोर्सेज, दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। कहता है कि आप अगर कोई गरीब फैमिली है उसमें भी देखेंगे कि अगर कोई सबसे ज़्यादा गरीब है, मतलब गरीब फैमिली में जो भी रिसोर्सेज जो उन लोगों के पास हैं, आप देखेंगे कि गरीब फैमिली में जो बूढ़े लोग हैं या जो औरतें हैं या जो बच्चियां हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि उनको जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वह तमाम लोगों को, मतलब खासकर जो बूढ़े लोग हैं, जो औरतें हैं और या जो बच्चियां हैं, उनको जो है इक्वली अवेलेबल नहीं है। तो कहता है क्या गरीब फैमिली में जो बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं या जो बच्चियां हैं, वह जो है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। कहता है कि हर स्टेट में जो है गरीब लोगों का प्रोपोर्शन, प्रतिशत जो है वह सेम नहीं है। इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज। कहता है क्या कि जो है भारत के 20 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी रेशियो जो है वह आप देखेंगे कि 26% से भी कम है, जो कि हमारा नेशनल एवरेज है। उड़ीसा एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विथ पॉवर्टी रेशियोज ऑफ 47% एंड 43% रिस्पेक्टिवली। कहता है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं गरीबी पाई जाती है तो उड़ीसा और बिहार है। उड़ीसा में 47% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि बिहार में 43% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लोवेस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर विथ पॉवर्टी रेशियो ऑफ जस्ट 3.5%। और कहता है कि अगर सबसे कम गरीबी कहीं पाई जाती है तो वह जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पर सिर्फ 3.5% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। फिर कहता है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी। कहता है कि अगर हम पूरे दुनिया के बारे में बात करें तो पूरे दुनिया में गरीबी में कमी आई है। However, it is marked with great regional differences. Poverty has declined more in China and Southeast Asian countries. कहता है लेकिन सब जगह एक तरीके से गरीबी कम नहीं हुई है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गरीबी कम हुई है, कहीं पर गरीबी कुछ कम हुई है। जैसे आप देखिएगा कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आप देखेंगे कि गरीबी जो है वह ज़्यादा कम हुई है। वर्ल्ड बैंक हैज़ डिफाइंड पॉवर्टी एज द पीपल अर्निंग लेस देन $1.25 पर डे। कहता है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो पॉवर्टी लाइन जो है वह $1.25 पर डे है, यानी अगर जो है आप $1.25 से कम कमाते हैं पर डे, तो कहने का मतलब आप जो है गरीब हैं। तो ये जो है वह बता रहा है पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में। तो उम्मीद है कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। डैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।